अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार सपोर्ट के लिए। गाइस प्लीज मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा और मैं कोशिश करूंगा आप सबकी रिक्वेस्टें पूरी करने की। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रिमोर व्लॉग पर रिएक्शन दे रहा हूँ रेगुलर, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं जो नहीं देखी, और उनमें से एक वीडियो है जिसका नाम है आज गोइंग बैक टू स्कूल विद माई ब्रदर एंड सिस्टर रिमोर व्लॉग। तो प्लीज ये देखने से पहले काम करें, वो लाल कलर का एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दो, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दो, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। यार क्या करते हो, तीन तीन वीडियो अपलोड करता हूँ रोज, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है आपका। ठीक है, आइए मिलकर देखते हैं कि ये स्कूल की इनकी वापसी कैसे थी और फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो स्टार्ट करते हैं अब। सो फैमिली वेलकम टू रिमोरो प्रेजेंट्स री व्लॉग्स, और आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये एक ऐसा 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 हम लोग घर पर भी बैठे हुए हैं, वाह, और हम लोग मिस कर रहे हैं हमारे स्कूल को, वाओ मैं नहीं कर रहा, तुम अभी निकलो बाहर। तो फैमिली क्योंकि हम लोग सब अपने घर पे बैठे हैं और स्कूल और कॉलेजेस और जा नहीं पा रहे कहीं पर, तो हमने प्रेजेंट किया है गोइंग बैक टू स्कूल विद माय ब्रदर एंड सिस्टर। जद लक मटकावे मेरा साल ले जावे स्नैपचैट पे सारे फिल्टर लावे 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 फैमिली। जैसे कि आपको याद है हम स्कूल में पढ़ा करते थे, शरे हम झूठ, हम पढ़ा करते थे। ये फैमिली अगर आप अचानक हैरान हो गए होंगे कि मैं ऐसा कैसे हो गया, तो आप पिछला ब्लॉग जाकर देखें। ओके सो फैमिली, उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। हाँ, ये दो हो गई। नहीं मैं ये कह रही थी हम जो करने वाले ना हमारे स्कूल में हमने तो ऐसे किया। अभी आप भी कमेंट करके ये लिखना कि आपके स्कूल में नहीं, आई गेस ये ना हर स्कूल में हुआ रहेगा करने वाले। चलो गाइस देखते हैं जाकर कि आज हम क्या करने वाले हैं। कंटिन्यू, बैकपैक करो और चलो स्कूल चले। घर पे स्कूल बना दिया। म्यूजिक क्लास का पीरियड कौन सा भाई? दो पीरियड के बाद होगा अभी। नहीं मैडम ये म्यूजिक क्लास नहीं है। म्यूजिक क्लास नहीं है ना, तो अच्छे से बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम करने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग। क्या सेंटेंस मेकिंग? एनु किन इंग्लिश सिखाई? राहुल गया अपने घर। राहुल घर चला गया है? वो कब घर गया बता दे, क्यों नहीं गया? राहुल तुम्हारा दोस्त राहुल नहीं है, वो ये नॉर्मल राहुल है, दूसरा राहुल है। सिर दर्द हो गया मुझे, पढ़ाना नहीं है इस क्लास को। राहुल वेंट टू हाउस। राहुल वेंट टू हाउस। तुम बताओ। राहुल गॉन टू हाउस। एक से एक भर्ती हुए इधर नलायक। एक से एक नलायक। अब बात करेंगे पूजा के बारे में। ओए पूजा के बारे में क्या तुम सुधर नहीं सकते? तुम्हारे नॉर्मल बोले नोजी आ गई। हां वहां बकार एक्टिंग कर रही है। एक्चुअली नाक बड़ा है तो नोजी आने को टाइम लगता है, इसलिए लग जाके आई है। नहीं तो पहले आ जाती। मैं तुम्हारे तो मारू नहीं। तुम क्या पूजा, कौन पूजा जो आप बता रहे हो पूजा? हां तो पूजा गई अपने घर, बताओ इसकी इंग्लिश क्या है? पूजा भी कर गई क्या रैंडम? यार मुझे लगता है राहुल और पूजा का ना कोई चक्कर है, वो घर नहीं गए मैडम, वो बंक मार रहे हैं। बंक मार रहे हैं वो कहीं पे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 12, किसी भी तरीके से x की वैल्यू 19 होनी चाहिए। क्या हो रहा है सर पे मार? ये तुम्हारा बैग कोई क्या आगे ले जाएगा? चलो उठो, महंगा बैग है, महंगा बैग उठो, सॉल्व करो इसको। फिर क्या करना है? x की वैल्यू 19 आनी चाहिए। चलो x की क्या निकालनी है? 19। सर देखिए x की कोई वैल्यू होती है नहीं तो भी छोड़ के चली जाती है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अबे ओ तेरे पर्सनल तेरे पर्सनल बातें हो रही यहाँ पे, तेरी पर्सनल एक्स नहीं। चल हो रहा है, हो रहा है बेटा, पीरियड खत्म हो जाएगा तू भी नहीं, मैं जाऊंगा देख रहा हूँ मैं। वो होता ना सब लोग टाइम लेते रहते हैं कि जब तक पीरियड ना खत्म हो जाए पूरी बोर्ड पे अटके रहते हैं। इसका आंसर 19 तो आएगा ही नहीं। शो मी यस। देखो नहीं। अरे बेटा दिखाओ। सर आप मारोगे तो नहीं? अरे बेटा मैं लड़कियों को नहीं मारता, तुम्हें पता है ना, पता ना तुम्हें। अच्छे से किया करो काम।
फैमिली याद तो आपको वो दिन आते होंगे जब आप भी रिसेस यानी कि ब्रेक के टाइम पे खाना खाते थे। मैं भी खाऊंगा। यार अचार के साथ रोटी क्यों लेके आए हो? क्यों? आपकी वजह से ना पूरी क्लास को भी अचार सुनना पड़ेगा। ऐसा एक बच्चा होता था इनमो क्या लेकर आई है? ब्रेड जैम। ऐसा भी बच्चा होता था जो ब्रेड जैम ही लेके आता था। इसने सारी जिंदगी ब्रेड जैम खाखा की शक्ल तेरी ब्रेड जैम जैसी हो गई। नहीं हम रोटी नहीं खाते, हम सिर्फ दोपहर में ब्रेड खाते हैं। तू क्या लेके आया? चल मैगी। साला मैगी लेके आया। और एक ऐसा बच्चा था जिसकी मैगी बचती नहीं है, जिसको खुद खाने को नहीं मिलती। मैगी पकड़। ये दिन होते थे। या बस ये छोड़ी आपने मैगी? एक मिनट यार, हिट लाइक उस बच्चे के लिए जो मैगी लेके आता था स्कूल में। गंजे तेरी मम्मी साथ में सब्जी नहीं भेजती थी क्या? जब से कोई चार लेके आया था भूखा कहेगा। क्या हो रहा है? सर हो गए। ओके वेरी नाइस। क्या हो गए? इनसे इन्हें देखो, ये कोई पुशअप करते भी नहीं है तो भी इन्होंने दो लगाए। आप देखो रोज जिम जाते हो, 50 भी नहीं लगा पा रहे आप। हाथ लेके चलो। क्या हाथ करो आगे? काय को हाथ? ओ सर इसको हटा लो, कोई बात नहीं। हाथ आगे लेके मत करो, हाथ करो आगे। मारना है, मारो सर। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन सी कक्षा है ये? हिंदी की। तो हिंदी में बोलो। हिंदी कन्वर्ट कर रहे थे। गोल्ड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब दिन। अच्छा दिन मैडम। सुपर बात होता है, बोलो। सुपर बात, आपके हस्बैंड आए हैं आज? बिगड़े हुए हो आप लोग, ये चश्मे क्यों पहने? मैडम देखो आपको पता ही है कि आपकी पीरियड तक लाइट चली जाती है, तो हमें आदत ही हो गई है बाहर बैठने की, ऊपर से धूप इतनी है। ये उतारो। ये जीरो काटा कौन खेल रहा था? मैं तो नहीं खेल रहा था। मैं भी नहीं खेल रहा था। ये एक्स कौन है? काफी अच्छे से जीता लग रहा है यार। ये मैं जीता था। दो गेमें लगाई है, दोनों में खुद जीत गया। फैमिली जैसे पढ़ती होती थी हमें याद है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको शायद ना पड़ी हो। साफ करो दोनों में से एक जन। दोनों में से एक? हाँ। रॉक पेपर सी शूट। हिंदी में बोलो। हिंदी में बोले पत्थर कागज कैंची मार। अरे पत्थर कागज कैंची मार, पत्थर कागज कैंची मार। आ मैं जीत गया। गॉड यार, ये लड़का लड़की कौन है? मैम ये राहुल और पूजा है। फैमिली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और होपफुली आपकी भी यादें ताजा हुई होंगी। फैमिली मुझे पता है कि आप लोग सभी अपने स्कूल को और कॉलेज को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो। फैमिली वैसे सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, इसके पीछे हम ऐसे यू नो थोड़ा ओवर हवा में आ गए थे। सो फैमिली ये वाले दिन लौट कर वापस जरूर आएंगे, और तब आएंगे जब हम अपने घर पे रहेंगे और सेफ रहेंगे। सो फैमिली आपको हिट लाइक करने हैं 192K। क्यों? क्योंकि अगर आपको हमने पूरे स्कूल की याद ताजा करवाई है तो। और आप भी अपनी फेवरेट यू नो कोई भी याद हो वो भी नीचे कमेंट करके लिखो। और फैमिली सब्सक्राइब का बटन, ये क्या है? 3 मिलियन होने वाला है, कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। ऐसे सब्सक्राइब का बटन दबाना, साथ में बेल का नोटिफिकेशन दबा देना है। हमने आपको अपनी बूथियां दिखाती रहनी है। और स्कूल के नाम पर एक अच्छा सा हिट लाइक तो बनता है।
या स्कूल के नाम पे एक अच्छा सा हिट लाइक दो बनता यार, कर दो लाइक मेरी वीडियो को भी, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्या कर रहे हो यार, थोड़े अच्छे सब्सक्राइबर बनाओ अभी। रूल्स फैमिली यार, जैसे रूल्स फैमिली है वैसे हमारी रिमोर फैमिली है, हमारी फैमिली आप सब जानते हैं, मैं इनको बड़ा प्यार से देखता हूँ, मेरे फेवरेट है। ओके, अब करी जाए बात स्कूल टाइम की, तो बहुत अच्छे। हाँ, हमारे स्कूल में हम लोग सुबह सुबह कहते हैं को होती थी ना, क्या कहते हैं असेंबली, जो भी कहते हैं उर्दू में यही कहते हैं असेंबली, क्या कहते हैं वो लाइने लगा के खड़े हो जाते थे ना, वो होता था रेसर्स, पता नहीं क्या कहते हैं, अब तो देख लो टाइम याद भी नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद हम लोग क्लास में जाते थे, क्लास में जाके पहले हम लोग अपना जो हमारा टीचर आता था वो आके हमारी वो लगाता था अटेंडेंस, ठीक है, फिर हम प्रेजेंट करते थे, प्रेजेंट होने के बाद फिर हमारी क्लास शुरू हो जाती थी। पहली क्लास हमारी बड़ी गंदी होती थी, पता कौन सी क्लास होती थी, सोचो, फिजिक्स की और कभी कभी मैथ की, ओए होए बड़ा बुरा हाल होता था हमारा, बड़ा बुरा हाल होता था। जैसे हमारा फिजिक्स का टीचर नहीं होता था, मैथ का टीचर आ जाता था, तो जैसे मैथ का नहीं होता था फिजिक्स का आ जाता था, बड़ा बुरा होता था, हमारी सुबह का दिन ही बड़ा खराब होता था। फिर हमारी ब्रेक हो जाती थी, ब्रेक के बाद हम लोग करते थे इंजॉय, जो हमारी वो कहते हैं होती थी ना पीटी क्लास, वो हफ्ते में एक दिन होती थी, रोज नहीं होती थी, बड़ा मजा किया, अच्छा आता था, मजा आता था टाइम देख के। यार आज भी ना मुझे स्कूल का टाइम याद आ गया, वाकई में वीडियो देख के तो मजा आया मुझे काफी ज्यादा। आप लोग भी अपनी यादें कुछ बताना चाहें तो कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके स्कूल की यादें कैसी थी, आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। हमारे स्कूल में मैगी वाला बच्चा कोई नहीं था, लेकिन नूडल कहते हैं इसका, क्या नाम है इसका, परोंठो वाला बच्चा होता था, एक रोज परांठे लेके आता था, हम लोग उसके परांठे छीन के खाया करते थे, नहीं तो हम लोग ऐसे कैंटीन से ले लेते थे। लेकिन जिस दिन वो परांठे मोस्टली लेके आता था, पेंडू कहते थे हम लोग उसे, अली नाम था, पेंडू पेंडू कहते थे, ठीक है, तो उसके परांठे हमने भरे खाए हैं, बड़े बड़े जबरदस्त परांठे लेके आता था, हम लोग वो खाते थे। बाकी मुझे मजा आया, आई होप कि आपको मजा आएगा। सारी फैमिली मेंबर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल बटन है उसको हिट कर दें, जोर से दबा दें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियोस में, दुआ में जरूर अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, लव यू, टेक केयर।